वेलकम टू RCI एजु हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर जो पढ़ा था, उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करके देखते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज फाउंड टू हैव द वैल्यूज 1.52, 1.48, 1.50, 1.54 एंड 1.46। कैलकुलेट द मेन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। देखो हुआ क्या कि किसी ने एक्सपेरिमेंट करके देखा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए। तो फर्स्ट टाइम जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो वैल्यू निकल कर आई 1.52। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में वैल्यू आई 1.48। थर्ड में ये आई, फोर्थ में ये, फिफ्थ में ये। तो अपने से पूछा गया है कि इसकी मीन वैल्यू बताओ कि ट्रू वैल्यू कौन सी है, ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये सब हम फाइंड आउट करते हैं वन बाई वन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीन वैल्यू, या ट्रू वैल्यू भी कह सकते हो आप उसको। तो यहां पर ऐसे लिख लो इनको, जो गिवन है अपने को, देखो इसको A1 मान लो, इसको A2, इसको A3, इसको A4, A5। तो A1 है अपना 1.52, A2 है 1.48, A3 है 1.50, A4 है 1.54 एंड A5 है 1.46। क्लियर है, ये अपने को गिवन है। अब हम निकालते हैं फर्स्ट मीन वैल्यू, या ट्रू वैल्यू भी हम कहते हैं इसको। तो देखो मीन वैल्यू निकालते हैं हम, ये जितनी भी वैल्यू है अपनी सबको ऐड कर देंगे, और जितने हैं ये टोटल उसका डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर अपने पास पांच वैल्यू हैं, देखो A1, A2, A3, A4, A5। तो सबको ऐड करते हैं, A1 प्लस, A2 प्लस, A3 प्लस, A4 प्लस, A5, और डिवाइड कर देंगे 5 से, बिकॉज ये 5 हैं टोटल। ओके, तो देखो वैल्यू पुट करते हैं A1, A2, A3, A4 की। तो A1 है 1.52 प्लस 1.48 प्लस 1.50 प्लस 1.54 प्लस 1.46 डिवाइडेड बाई 5। तो चलो इनको ऐड करते हैं। तो देखो ये इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, 4, 10, 20। तो इसको जब ऐड करते हैं तो ये निकल कर आता है 7.50 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो जाएगा 1.50। ठीक है, तो मीन वैल्यू आ गई अपनी 1.50। क्लियर है, अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे फर्स्ट मेजरमेंट का, फिर सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का। तो ये निकालते हैं, तो ये है मीन वैल्यू, क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट एरर सेकंड। एब्सोल्यूट एरर तो फर्स्ट निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट डेल्टा A1, ये हो जाएगा ए मीन माइनस A1। तो देखो ए मीन अपना आया था, मीन वैल्यू अभी फाइंड आउट की थी, ये अपना 1.50 आया था। तो हो जाएगा 1.50 माइनस A1, A1 है 1.52, तो आ जाएगा अपना माइनस 0.02। ऐसे डेल्टा A2 निकालेंगे हो जाएगा AM माइनस A2, 1.50 माइनस A2, A2 है 1.48, आ जाएगा अपना 0.02। डेल्टा A3 AM माइनस A3, 1.50 माइनस A3, देखो 1.50 दैट इज 0। डेल्टा A4 ये हो जाएगा ए मीन
माइनस ए फोर, ए मीन है 1.50 और ए फोर है 1.54, तो यह आ जाएगा अपना माइनस 0.04। ऐसे निकालेंगे लास्ट डेल्टा ए फाइव एब्सोल्यूट एरर इन फिफ्थ मेजरमेंट, डेल्टा ए एम माइनस डेल्टा सॉरी ए एम माइनस ए फाइव, तो ए एम है 1.50 माइनस ए फाइव, ए फाइव है 1.46, तो यह आ जाता है हम अपना 0.04। क्लियर है? तो ये एब्सोल्यूट एरर आ गए हैं अपने फर्स्ट मेजरमेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। अब रिलेटिव एरर निकालने से पहले अपने को मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना होता है, तो सेकंड स्टेप होगा अपना मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करेंगे। मीन मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए एम। देखो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए हैं इनका हम मीन निकाल लेंगे, और ध्यान ही रखना है जो भी वैल्यू नेगेटिव है उसको पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि मोड लेते थे हम। तो देखो इन सबको ऐड करते हैं, पहले 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0 प्लस 0.04 प्लस 0.04 और डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये 5 टर्म्स हैं। तो ध्यान रखना नेगेटिव को पॉजिटिव लेना है बिकॉज फॉर्मूले में यहाँ पर मोड आता है, क्लियर है कि नहीं? तो नेगेटिव वैल्यू को भी वो पॉजिटिव कर देता है। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो देखो हो जाएगा 2, 2, 4 और 8, 12, तो हो जाएगा 0.12 डिवाइडेड बाई 5। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा, देखो 5 × 5 = 10, 20, याद आएगा 0. इसको इस टाइप से लिख सकते हो आप, देखो 12 × 10^-2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 2.4 × 10^-2, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.0024। क्लियर है? तो इसको इस टाइप से जैसे भी कैलकुलेशन आपको आती है वैसे कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? हाँ, तो ये आ जाता है अपना 0.024। क्लियर है? इसको राउंडिंग ऑफ करने के बाद इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर चाहो तो 0.02। क्लियर है? तो ये आ जाता है अपना मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए एम। ओके, अब हम निकालते हैं रिलेटिव एरर। तो देखो रिलेटिव एरर होता है अपना मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। तो डेल्टा एम की वैल्यू आती है 0.02 और एम आया था अपना 1.50, तो इसको आप लिख सकते हो 2/15। क्लियर है? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हो जाएगा, देखो पॉइंट लगा देंगे तो 15 एकम। क्लियर है? ये आ जाता है अपना रिलेटिव एरर। अब हम बात करते हैं लास्ट परसेंटेज एरर के बारे में। तो परसेंटेज एरर होता है, देखो जो रिलेटिव एरर अपना आता है उसी को हम परसेंटेज की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो वो बन जाता है अपना परसेंटेज एरर। तो हो जाएगा 0.13 × 100%, तो ये आ जाता है अपना परसेंटेज एरर 13%। क्लियर है? तो इस टाइप से हम न्यूमेरिकल को शो।
तो यहाँ पर देखना थोड़ा सा मिस्टेक किया है हमने, इसको जब पॉइंट कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 150 हो जाएगा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है अपनी 0.013, ठीक है, 0.013, इसको 100 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो आ जाएगा 1.3%। क्लियर है, ये है परसेंटेज एरर। अब एक चीज ध्यान रखना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है उसकी मीन वैल्यू तो आई थी 1.50, क्लियर है, और जो मीन एब्सोल्यूट एरर आता था ये आया है 0.02, और जो परसेंटेज एरर है ये आया अपना 1.3%। तो अगर अपने से ये पूछता है कि भाई जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था उसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम कितना लिखेंगे अब, तो उसको लिखने का तरीका ये होगा, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, तो अपनी जो मीन वैल्यू आई है ये तो है 1.5, बट उसमें एरर कितना है 0.02, तो उसको हम लिखेंगे प्लस माइनस 0.02, क्लियर है। या फिर आप परसेंटेज एरर की फॉर्म में इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1.50 प्लस माइनस 1.3%, क्लियर है। तो इस टाइप से हम लिखेंगे फाइनल जो आंसर होगा अपना, ये तो इसकी ट्रू वैल्यू है बट इसमें इतना एरर हो सकता है तो इसलिए हम प्लस माइनस करके ऐसा लिखते हैं, या तो आप एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में लिख दो या फिर परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिख दो। थैंक यू।